हेलो नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द के लिए या जॉइंट पेन के लिए टॉप 3 या जो मेरी टॉप रैंक 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है उनके बारे में बताऊंगी कि वो कौन कौन से इंडिकेशंस में मैं यूज़ करती हूँ, उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, जोड़ों के दर्द में किस प्रकार के दर्द में मैं तीनों में से कौन सी मेडिसिन को सेलेक्ट करके अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जॉइंट पेन कौन कौन से कारण से होता है या कौन कौन सी डिसीजेज़ में जो जोड़ों का दर्द है वो एज अ सिम्टम प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देकर सुनने वाली बात है, तीनों मेडिसिन के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं, जो इंडिकेशंस हैं, उनको ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर अपने जोड़ों के दर्द के लिए मेडिसिन को, होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करना है। तीनों मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कौन सी पोटेंसी में किस मेडिसिन को किस तरीके से यूज़ करना है। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, मतलब घंटी को प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बिना देर की आज की इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जॉइंट्स या जोड़ हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है जहाँ हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं या मिलती हैं। जोड़ों का दर्द वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के किसी भी जोड़ में दर्द यानी कि पेन, डिस्कम्फर्ट होता है। जोड़ों के दर्द के कॉजेज़ की, मतलब कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण है अर्थराइटिस। जॉइंट पेन का सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है ये अर्थराइटिस। अर्थराइटिस दो प्रकार से होते हैं, ऑस्टियोअर्थराइटिस एंड रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ऑस्टियोअर्थराइटिस मोस्ट कॉमन होता है। ऑस्टियोअर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं या जो केसेस होते हैं उनमें जो ये डिसीज़ होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। जॉइंट्स में दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है जो कि बीच में कुशन का और शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है जॉइंट्स के लिए। सो ऑस्टियोअर्थराइटिस में ये जो कार्टिलेज होता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है मूवमेंट्स के दौरान। बात करते हैं जॉइंट पेन के सिम्टम्स की, लक्षणों की। सो जॉइंट पेन इस सिम्टम इन इटसेल्फ ये खुद अपने आप में एक लक्षण है। आपको अफेक्टेड जॉइंट में, मतलब आपका जो अफेक्टेड जोड़ है उसमें आपको दर्द होगा, दर्द के साथ साथ सूजन रहेगी, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, उसके साथ साथ वहाँ पे वॉर्म्थ प्रेजेंट रहेगी, हीट होगी। जो आप जॉइंट को टच करेंगे अफेक्टेड जॉइंट को तो वो जॉइंट आपको गर्म मिलेगा, ज़्यादा गर्म महसूस होगा और साथ में स्टिफनेस रहेगी और मूवमेंट करने में आपको तकलीफ होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो जोड़ों के दर्द के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट हैं जॉइंट पेन को ट्रीट करने के लिए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। अब बात करते हैं मेरी टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट मेडिसिन जो है मेरी वो है रस टॉक्स, जिसका पूरा नाम है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। इसका जो मेन एक्शन या इंडिकेशन या फिर इसका जो लक्षण है इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए वो ये है कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है और वो दर्द आपका आराम करने से, मतलब सोने से, लेटने से बहुत टाइम तक आप अपने जोड़ को अगर मूव नहीं करते हैं तो वो जो आपका पेन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, पर आप जैसे ही मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो अफेक्टेड जॉइंट का पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसको हम हमारे मेडिकल टर्म में जो इसका होम्योपैथिक इंडिकेशन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट मोशन एग्रावेशन, जिसमें जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेगा, आप डॉक्टर के पास कंप्लेन करते हैं पेशेंट कि जब हम सुबह उठते हैं तो जैसे ही फर्स्ट मूवमेंट हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उसके बाद धीरे 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 जैसे ही डे टू डे एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पेन है वो कम होता है और धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके के पेन के लिए
रस्टॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस लक्षण के लिए रस्टॉक्स से अच्छी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। ऑल्दो बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें ये सिम्टम मेंशन है कि फास्ट मोशन एग्रवेशन होता है जो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, बट नो अदर मेडिसिन डज इट बेटर देन रस्टॉक्स। सो रस्टॉक्स मेरी टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रस्टॉक्स मैं अपने पेशेंट में यूज़ करती हूँ। किस पोटेंसी में आपको रस्टॉक्स यूज़ करनी है? सो रस्टॉक्स आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। किसी भी कंपनी की आप ले आइए, लोकल होम्योपैथिक स्टोर्स पे अवेलेबल है। रस्टॉक्स 200 आप लाइए, इसको दो बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में आपको लेनी है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो सेकेंड मेडिसिन है, जो मेरी सेकेंड रैंक होम्योपैथिक मेडिसिन है जॉइंट पेन के लिए, वो है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को यूज़ करने का या फिर मेरे प्रिस्क्राइब करने का या फिर इस मेडिसिन का जो मेन लक्षण है, मेन इंडिकेशन है, वो है जोड़ों में दर्द। और अगर आपका जो दर्द है वो चलने फिरने से, मूवमेंट करने से बढ़ता है और आराम करने से कम हो जाता है, मतलब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि जैसे ही मैं चलता फिरता हूँ, मूवमेंट करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ उतरता हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बट अगर मैं रेस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है, तो ऐसी कंप्लेन के लिए ब्रायनिया बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इवन बेस्ट मेडिसिन है। ये जो सिम्टम होता है ये टिपिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट्स है उनका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो इरोड हो जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जैसे ही पेशेंट रेस्ट करने लग जाता है, जॉइंट्स आपके रेस्ट करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो पेशेंट को आराम मिलता है। स्पेशली इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला जॉइंट है वो है नी जॉइंट, मतलब घुटने के जोड़। तो आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ध्यान रख के यूज़ करना है ब्रायनिया का, जो है चलने में तकलीफ़ होना और रेस्ट करने से आराम मिलना। इसका जस्ट अपोजिट है रस्टॉक्स में, रस्टॉक्स का जो पेशेंट है उसको चलने से आराम मिलता है और रेस्ट करके उठने से जो फर्स्ट मोशन होता है उसको उसमें तकलीफ होती है। तो ब्रायनिया आपको यूज़ करनी है अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं या आपका जो जोड़ों का दर्द है और आपको उसमें मूवमेंट में तकलीफ़ होती है, तो आप ब्रायनिया बिल्कुल यूज़ करें। मैं यूज़ करती हूँ अपने पेशेंट में और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। ब्रायनिया भी आपने 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। ब्रायनिया 200 दो बूंदे डायरेक्टली टंग में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी है आपको। चलते हैं हम मेरी थर्ड रैंक्ड होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, जो मैं जॉइंट पेन में यूज़ करती हूँ, वो है लीडम्पाल। लीडम्पाल बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जोड़ों के दर्द के लिए। किस तरीके का जोड़ों का दर्द? सो जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स में दर्द और इन्फ्लामेशन रहता है, मतलब स्मॉल जॉइंट्स मतलब शरीर के छोटे जोड़, जैसे कि हमारे हाथ की उंगलियाँ और पैर की उंगलियाँ, एड़ी जो है, अगर आपको यहाँ दर्द है, यहाँ सूजन है और तकलीफ़ है इन स्मॉल जॉइंट्स में, तो इसके लिए लीडम्पाल बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। स्मॉल जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन मेनली गाउट यानी गठिया में होता है, गठिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको छोटे जोड़ों में तकलीफ़ होती है, सूजन होती है। सो अगर आप गठिया से सफ़र कर रहे हैं, आपके हाथ पैर की उंगलियों में, घुटनों में सूजन है और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, मूवमेंट करने में तकलीफ़ होती है, तो आप ज़रूर लीडम्पाल लें। साथ में अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आप लीडम्पाल लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लीडम्पाल भी आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। तीनों ही ये जो मेरी टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है जॉइंट पेन के लिए, इन्हें मैं 200 पोटेंसी में यूज़ करती हूँ। सो मेडिसिन आपने 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। लीडम्पाल को भी 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली टंग में आपको लेना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप मेडिसिन को लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से
सफ़र कर रहे हैं या फिर ये जो तीन मेडिसिन के मैंने इंडिकेशंस यहाँ पर समझाए, इनमें से किसी भी मेडिसिन का सिम्टम अगर आपको लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको लगता है कि इस मेडिसिन के सिम्टम्स हमारे सिम्टम्स से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो आप उस मेडिसिन को यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप हमसे पर्सनली ई कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सिंपली आपको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। साथ ही साथ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप उसे तुरंत अपडेटेड रहें और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। लव यू ऑल।